गाइस एयरपोर्ट के गेट से अंदर एंटर करते हैं आपको ना ये सामने ऐसे करके ना स्क्रीन दिखेगी, तो इस पे आप देख लेना कि आपकी फ्लाइट कौन सी है और कैसे है। तो ये अंदर ही आती होगी, तो यहाँ से अपनी फ्लाइट का देख के और उस गेट पे आपको चले जाना है, बस आपका काम इतना ही है। तो गाइस यहाँ पे ना एयरपोर्ट पे आगे मेरे को ना वो स्क्रीन जो मैंने आपको पीछे दिखाई उससे ना मेरे को काउंटर का पता नहीं चल रहा था, तो फिर मैंने अभी क्या किया कि जो यहाँ पे बंदे होते हैं उनसे आप बात करते रहो, सारे अपना अपना देख रहे होते हैं तो कोई वैसे मना नहीं करता, सारे हेल्प कर ही देते हैं। तो आप उनसे बात करके अपना प्रोग्राम सारा सेट करके उसके बाद ही कहीं पर मूव करना। नो सर। तो गाइस ऐसे यहाँ पे ये आ गया आपका बार तोड़ने वाला हिसाब किताब। तो ये एक बैग रखा, ये दूसरा बैग रखा और यहाँ से ये दोनों इससे रिड़ के और यहाँ से घूम के वो चले जाएंगे पूरा बैगेज के। तो आपका यहाँ पे काम खत्म हो गया, ट्रॉली का एक छोटी वाली बैग लेके जानी है बस, बाकी सब काम खाले बाय। तो गाइस जितनी देर यहाँ पे आप फ्री खड़े हैं उतनी देर आप ये देख लो वो अपना काम कर रहे हैं सर, और हम यहाँ पे वेले बैठ। तो गाइस यहाँ तक चेक इन के तक कोई डरने वाली बात नहीं है, ईजी है प्रोसेस सारा, बस अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना, कोई ज्यादा नहीं होता, सब आपके जैसे ही यहाँ पे आए हैं जिनको कुछ नहीं पता कैसे करना है क्या करना है, स्मूथली सारा कुछ हो जाता है, बस एक दूसरे को देखते चलो उनसे बात करते चलो कि ऐसे क्या करना है क्या करना है, तो वो सारा कुछ आपका हो जाता है। सो नो नीड टू वरी टिल नाउ। डेली सर, तो गाइस अभी लगेज दे दिया, बोर्डिंग पास मिल गया और साथ में मेरे को होटल वाला भी मिल गया। अभी बड़ी अच्छी धूप आ रही है यहाँ पे और अब जा रहे हैं हम सिक्योरिटी क्लियर करवाने के लिए, और वो देख रहे हैं कि कौन से गेट से अंदर जाना है, कैसे करना है क्या करना है। और अभी ये बैग ले लिया, दूसरा रख लिया, जो मेरे चेक इन लगेज थे वो थे 22 किलो के आसपास, 22.5 किलो के आसपास थे, और जो मेरा ये वाला है ये तो ईजी है, छोटा सा ही है, मजे वाला। तो गाइस बाकी हम देखते हैं आगे मैं आपको बताता रहूंगा कैसे होता है। सामने मेरे सिक्योरिटी चेक की लाइन है जो कि इतनी बड़ी है क्या बताऊं, देखो। तो गाइस ये है यहाँ पे सिक्योरिटी चेक की लाइन, तो यहाँ पे 1 से 2 घंटे लगते हैं। मेरा जो है 8:10 पे मेरी बोर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो 8:10 तक यहाँ से फ्री होना है। अभी टाइम हुआ है, अभी बजे हैं 6 और मैंने पहुंचना है यहाँ पे 10 बजे तक। ये स्टैंप लगती है यहाँ से और फिर उसके बाद जाएंगे हम सिक्योरिटी चेक के लिए जहाँ पे आप गए बैग बुक की तलाशी। तो गाइज अभी चेक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, दो घंटे लगे पूरे टोटल। मैं 5 बजे अंदर एंटर हुआ था, 5:30 हो गए थे, तो अभी 7 बज रहे हैं। और मेरा जो सिक्योरिटी चेक है वो देखो पीछे से मैं क्लियर करके आ गया, उन्होंने एक चीज भी नहीं निकाली बीच में से, कोई ज्यादा नहीं है, बड़ा स्मूथ प्रोसेस है, कुछ नहीं ज्यादा बोलते मेरे से, बैग में से उन्होंने कुछ भी नहीं देखा एग्जैक्टली, मतलब कि एक चीज भी नहीं निकाली। और बैग में क्या क्या डालना है इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा अभी वहां पे जाके कैनेडा, तो आप वो वीडियो देखना। तो तब तक के लिए इंजॉय करते हैं थोड़ा सा ड्यूटी फ्री। तो गाइज जो आपको डराते हैं सारे कि क्वेश्चनिंग बड़ी होती है यहाँ पे एयरपोर्ट पे या और बहुत चीज होती है, कुछ नहीं होता। सिंपली मेरे से उन्होंने पूछा कि पंजाब वालों को बड़े वीजा देता है कैनेडा, तो मैंने उनको बोल दिया कि सर अच्छी बात है ना, फिर हमारा प्यार है उनके साथ, तो ये बात ही वहां पे। उसके बाद उन्होंने स्टैंप लगा के पासपोर्ट पे और भेज दिया, और फिर देन सिक्योरिटी चेक वो भी कंप्लीट हो गया। अब बज चुके हैं 7, मेरी है 8:10 पे बोर्डिंग, तो 7 से 8 एक घंटा अभी हमने यहाँ पे घूमना है फिरना है और इधर उधर देखना है। एंड गाइज आपको ना मैं एक और बात बताऊं कि लोगों से ना बात करते रहना, सारे यहाँ पे आपके स्टूडेंट होते हैं, अगर आप प्रेशर में आओगे ना किसी से बात नहीं करोगे तो आप डरते रहोगे, सो इट्स बेटर टू टॉक टू एवरीवन जो आपके लाइन में आ गया, जो आपके पीछे है, उनसे पूछो क्या कर रहे हो कैसे है ये वो, थोड़ी बहुत हंसी मजाक करो, मूड को थोड़ा सा लाइट रखो, जैसे कि आप मेरे को देख सकते हो मैं पूरा खुश हूं यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, भाई लीगल तरीके से जा रहे हैं सारा काम अच्छे से कर रहे हैं, हमने कौन सा कोई लीगल काम किया जो हम डरे इनसे या कोई ऐसी बात हो। सो जस्ट एंजॉय एंड
अब तो अंदर पहुंच चुके हैं ड्यूटी फ्री। आप अपने हैंड बैग को लगेज के ऊपर रख लेना और ये वाला जो पिल्लो है जरूर लेके आना और फिर घूमो सारा का सारा ड्यूटी फ्री। मजे करो, जो मर्जी करो, यहाँ पे अच्छे से घूमो, टाइम पास करो। मैंने एक घंटा भी यहाँ पे निकालना है। पहले मैं वीडियो बनाता आगे चला गया था लेकिन अब फिर से वापस आए हैं। तो ये हो गए थोड़े कॉस्मेटिक लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए इधर है ये सारी बोतल्स। और हम ये दोनों को हमारा कोई यूज नहीं है, परफ्यूम्स हैं लेकिन हमारा बजट नहीं है। तो देखता हूँ मैं कोई चीज जो कि हमारे लिए अच्छी हो सकती है वो देखते हैं। कुछ खाए पियेंगे, अभी तो वैसे भूख नहीं लगी। सबसे पहले वॉशरूम, वो देखता हूँ कहाँ पे है, कैसे जाना है, तो आपको भी बता दूंगा। अगर आप आओगे तो थोड़ी आपको हेल्प हो सकती है। लेकिन फीलिंग बड़ी अच्छी है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यार, सारे पता नहीं क्यों डरे डरे से क्यों घूम रहे हैं, आई डोंट नो। आए मेरे को तो सारे ऐसे देख रहे जैसे पता नहीं क्या। और ऊपर से मैं थोड़ी सी ब्लॉगिंग स्टाइल में ज्यादा आया हूँ, शर्म सब उतार के जो मेरी तरफ देखता है उसके मुंह पे कैमरा मारता हूँ, खुद ही साइड में देख लेता है। सो गाइस यस दिस इज इट, यहाँ पे कपड़े भी मिलते हैं। लेकिन वो मैं ना आपको कनाडा जाके वीडियो बना के बताऊंगा कि कपड़े कौन से लेने हैं कौन से नहीं लेने। और अभी मेरे फोन की स्टोरेज भी थोड़ी ऐसी चल रही है। एंड गाइस वो जो सिक्योरिटी चेक में उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपके फोन में आपके बैग में जितनी भी वायर्स हैं या कुछ भी है उसको सबको एक जगह पे रखो और निकाल के बाहर रख दो। मेरे आगे थे एक, उन्होंने ना अमेजोन से ऑर्डर लिया हुआ था, तो वो अमेजोन का ऑर्डर आप पैक मत रखना, उसको खोल के रखना, स्पेशली अगर वो मेटल का है। एंड जो आपकी की चेन्स हैं या चाबियां हैं उनको बड़े अच्छे से वो चेक करते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहली बार आए हैं लेकिन मजा पूरा बरकरार है। और इधर से देखो लॉन्च और वो एयर कैनेडा, यहाँ पे किसी को पकड़ के एक आधी फोटो खींचते हैं ना, ऐसे बात नहीं बनती, किसी को बोलते हैं कि भाई एक फोटो खींच दे यार। हाँ यहाँ पे ब्रदर खींच रहे हैं, इनसे एक फोटो खिंचवाते हैं। तो गाइस ये भैया ने बहुत अच्छी अच्छी फोटो खींची है, अभी अभी काफी सारी फोटो खींची है, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, आप देख लेना कि कैसे कैसे हैं। सो दिस इज द होल एक्सपीरियंस ऑफ द एयरपोर्ट जो कि काफी अच्छा है। और ये पीछे मेरे जहाज है सारे बोर्डिंग करने के लिए। एंड बाकी आपको आगे आगे दिखाते रहेंगे क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। और टेंशन की बात यहाँ पे ये है कि आप मेरा फेस देख सकते हो, बस कुछ नहीं होता, मजे से आपकी फ्लाइट है, अच्छे से आओ, कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। और ये एक और भाई आ गया, ये भाई का मैंने वाईफाई लिया था। आ गया। तो ये भाई आपको ना बाद में कनाडा वाले ब्लॉग में भी दिखता रहेगा, ये आएगा टोरंटो ही आएगा ये। तो गाइज जो बात है कि डरने वाला कोई बात नहीं है, मजे करो यहाँ पे अच्छे से, जो मर्जी करो, किसी की कोई टेंशन नहीं है। दो तीन तो मेरे फ्रेंड बन भी गए हैं यहाँ पे, सारे अच्छे हैं यार, मजे से। मैंने देखो अभी फोटो फोटो भी खिंचवा लिया, वो भाई से आपको दिखवा भी दिया, दो मिल गए हैं, एक ने तो कनाडा जाना है, दूसरे ने पता नहीं कहाँ जाना है, मैंने पूछा नहीं। लेकिन इंस्टाग्राम का हैंडल जरूर चेंज हो गया है, वो शायद समझ रहे थे कि मेरे काफी ज्यादा सब्सक्राइबर हो रहा भाई, फोटो खिंचवा ले मेरे साथ भी, मैं कर ला यार फोटो खींच ले। लेकिन भाई खुशी बड़ी होती है, अब मैं ऐसे घूम रहा हूँ ना, सारे मेरे को देख रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने मास्क उतार दिया, मास्क पहनूंगा ना तो फिर सारा अच्छे से हो जाएगा। तो गाइज मास्क पहनो और लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाओ जैसे पता नहीं आप कितने बड़े कोई यूट्यूबर हो जो व्लॉगिंग कर रहा है यहाँ पे, पहचानने का तो कोई है नहीं। तो मास्क पहन लो, ऐसे घूर घूर के देखते हैं ना सारे लोग, पता नहीं जैसे क्या होता है। तो गाइज किस चीज का आपको बड़े चिर से इंतजार था, जो आप बड़े टाइम से वेट कर रहे थे कि वॉशरूम किधर है, वो इधर है, ये देखो ये मिल गए। यहाँ से किसी से पूछ लेना, सारे वेले बैठे हैं, कोई नहीं ड्यूटी फ्री से खरीदता, सब देख के जाते हैं सामान, तो इनमें से किसी से भी पूछ लेना, आपको वो भेज देंगे। तो गाइज यहाँ से होती है ऐसे करके बोर्डिंग, यहाँ से वो जब बोर्डिंग का टाइम होगा तो आपको ऐसे नीचे भेजेंगे, फिर यहाँ से ऐसे आप इधर को जाएंगे, फिर वहां से सीधा बाहर निकल के, और वो वहां पे जहाज लगा है तो वहां पे जाकर करेंगे। पीछे है अभी प्लेन लैंड लूंड हो रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं।
तो ये ऐसे लगा होता है यहाँ पे, और साथ में ये सारा आपका सामान पैक करके पड़ा होता है। सो दिस इज द होल। ये ड्यूटी फ्री से बाहर निकलेंगे तो फिर आप यहाँ से ऐसे। तो ये ऐसे करके यहाँ पे ऊपर गेट लिखे हैं, आपको बोर्डिंग पास में उन्होंने गेट दे देना है, सिक्योरिटी चेक करवा के उसके बाद जाना है आपने सीधा गेट्स के ऊपर, जोन जोन से जो जो गेट है वहां पे आपने चले जाना है चुप करके मजे से। मेरे जैसे मत जाना, चारों तरफ पंगे लेते किसी न किसी से बात करते, चुपचाप आप चले जाना अच्छे रहोगे। तो यार अगर आपके भी पैरों में दर्द है जैसे कि हमारे है, तो आप इस पे आ सकते हैं, मजे से ये खुद चलता जाएगा। और गेट नंबर 4-5 हम निकल गए आगे। तो गाइज आप भी ऐसे खाली बोतल लेके आ जाओ पानी की, और यहाँ से पानी फिल कर लो। वैसे पानी अंदर आने देते, और यहाँ पे पानी की जो पोस्ट है वो एक बोतल मिलती है 100 रुपए की। तो यहाँ से अपना खाली बोतल ले गया, और रस्ते में स्टिंग पी रहा था वही बोतल डाल ली इसमें, और ये भरी, मजे से पानी पियो जो मर्जी करो। तो यार बोर्डिंग के 2-2.5 घंटे वेस्ट करने के बाद उसके बाद ये लेंगे एयरलाइन वाले आपका नाम, और फिर आपने जाना है। उतनी देर तक ऐसे भाई के साथ टाइम स्पेंड कर लो अपना। और फिर एयरलाइन वाले आपका नाम लेंगे और जाके जहाज में बैठो। तो गाइस वो बोर्डिंग के बाद आपको अंदर भेज देंगे, तो ये वही रास्ता जो मैंने पहले दिखाया था उससे नीचे जाएंगे, और आगे जाके आपको बिठा देंगे वो जहाज में। थोड़ी सी स्टेप्स चढ़ने हैं, सीढ़ियां चढ़ोगे और आप पहुंच जाओगे ऊपर। मास्क पहन के रखना है, मास्क बहुत जरूरी है, मेरे जैसे मत पहनना, मेरे को देख के अच्छे से पहनना। तो गाइस अभी उस आइल पे आ गए हैं जहाँ पे की स्टोरीज जो है वो बहुत ज्यादा वायरल होती है। ये रही वो आइल। अभी यार मेरे जो सारे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, जो अभी यहाँ पे बने हैं वो पीछे रह गए, उनकी सीट चेंज है, नहीं तो यहाँ पे एक वीडियो तो बनती है। तो वो मैंने बना लेनी थी लेकिन वो सारे के सारे पीछे रह गए, इसलिए अभी नो वीडियो। और ऑडियो की क्वालिटी मेरे को पता नहीं कैसी आ रही है, धीरे धीरे बोल रहा हूँ मैं, लोग बड़े सुन रहे हैं ध्यान से, एंड सबको एवरीवन अंडरस्टैंड दिस। तो यार अपना काम वही चालू है, सबसे बोलो फड़की तो फड़की तो। तो अभी जो क्रू मेंबर थे जिन्होंने कि मेरा वो बैगेज दिया था वो यहीं पे खड़े थे, सो मैंने उनसे बोल दिया कि मेरी फोटो क्लिक कर दो प्लीज, एंड सेड यस। फोटो आ गई है, वो आपको अभी दिख जाएगी बीच में, और वो देखो सामने एयरक्राफ्ट। ये देखो यहाँ पे पायलट बैठे हैं शायद बीच में। तो गाइस फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट।